भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया आज रविवार के दिन इस भीषण सर्दी में घर बैठने के बजाय यमुना नदी की सफाई करने नदी के तट पर पहुंचे। उनके इस सफाई अभियान में भाजपा के कई बड़े नेता व एसडीएम सदर सिद्धार्थ नगरपालिका अध्यक्ष नगरपालिका ईओ व समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने यमुना नदी की सफाई अभियान के दौरान आम जनता व समाजसेवी संस्थाओं से अपील की है कि वे इटावा की यमुना नदी की सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें व इसके लिए आम लोगों को भी जागरूक करें। सांसद जी, नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके का अभियान है ये? देखिए, यमुना जो नदी है बहुत ही पवित्र नदी है यमुना, और इसमें ये नदी प्रदूषण से मुक्त हो इसलिए नमामि गंगे के अंतर्गत इटावा नगर पालिका की चेयरमैन, यहाँ के ईओ साहब, यहाँ के एसडीएम साहब और भी सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो सब इस अभियान में लगी हैं। आज मुझे भी इस अभियान में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी से अपील करता हूं, विनती करता हूं कि इटावा शहर के और पास के सभी लोग यहां ज़रूर स्वच्छता अभियान में अपना कुछ ना कुछ समय निकाल करके इस यमुना मैया को साफ़ सुथरा करें, पर्यावरण को साफ रखें, अच्छा रखें, ये सबसे मैं अपील कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इटावा के लोग इस दृष्टि से ज़रूर यहाँ पर आकर के और श्रमदान के रूप में, सेवा के रूप में यहाँ कुछ ना कुछ समय देंगे। नमो कालिंदी योजना चल रही है जो नदी की सफाई के लिए चल रही है, किस तरीके की योजना है, क्या लाभ इससे मिलेगा लोगों को? देखिए, जो योजना भारत सरकार ने चलाई है और विशेष रूप से यमुना और गंगा को उसमें शामिल भी किया है, और जैसे गंगा में सफाई अभियान चल रहा है उसी तरह यमुना को भी उसी में लिया है, और उसमें कई चरण में इस तरह के कार्यक्रम बनाए हैं कि उसमें सामाजिक लोग भी जुड़ें और सरकारी तौर पे जितने भी इस तरह के संस्थाएं हैं वो भी उसमें किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हों, और जिससे वो वहाँ साफ़ सफाई हो और एक स्वच्छता का माहौल भी बने और पर्यावरण ठीक रहे, इस दृष्टि से लोगों को प्रोत्साहन मिले। तो उसमें हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको भी इस तरह आह्वान किया जा रहा है और हम लोग भी अपील कर रहे हैं और अधिकारी लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। नदियों को गंदगी से बचाने के लिए, शहर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए किस तरह की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? दरअसल शहर के जो नाले थे उनको टेप करके माननीय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत शहर का जो 32 MLD पानी जनरेट हो रहा था, नगर पालिका क्षेत्र में 22 MLD के इसको शोधन की व्यवस्था थी। यह सर्वे हुआ, करीब 44 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट बना, खत्ता उमरेन पर नया STP बन रहा है जो अप्रैल तक चालू हो जाएगा। शहर के समस्त नाले उसमें जुड़ के पूरे शहर का पानी खत्ता उमरेन के STP पे जाके वहाँ शोधन होगा, जमुना जी में कोई भी सिंगल पानी एक बूंद नहीं जाएगा नाले का। उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, जमुना साफ दिखेंगी और जो आए दिन जो समस्याएँ आती थी वो सब खत्म हो जाएंगी।